हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। लेट अस स्टार्ट विथ न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। फूड का लेना और उसका इस्तेमाल करना ही न्यूट्रिशन है। फूड इज़ रिक्वायर्ड बाई एवरीवन। फूड हमें क्यों चाहिए? फूड हमें चाहिए उस एनर्जी के लिए जो हमारे बॉडी को ज़िंदा रखे, बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे मूवमेंट हुआ और भी वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो हमें फूड से मिलता है। इसके अलावा फूड इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर ग्रोथ। फूड इज़ एसेंशियल फॉर रिपेयर। अगर बॉडी में कहीं कुछ डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करेगा। फूड इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू रिमेन एज स्टोर्ड। जब हम ज़्यादा फूड लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा फूड है एनर्जी वगैरह बनने के बाद, खर्च वगैरह होने के बाद, वो हमारे बॉडी में स्टोर रह जाता है फ्यूचर में यूज़ होने के लिए। तो ये सारे ज़रूरतें हैं फूड के लिए। तो अब है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टेक फूड इन डिफरेंट वेज एंड दे टेक डिफरेंट फूड्स। तो बेसिकली न्यूट्रिशन को हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच organisms utilize simple raw materials to prepare their own food. वो organisms जो नेचर से simple raw materials लेकर अपना food स्वयं बनाते हैं। इसके examples में हैं सारे के सारे green plants, सारे algae and some bacteria. तो ये जो definition है कि autotrophic nutrition in which ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज सिंपल रॉ मटीरियल्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। एग्जाम्पल्स ऑल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। ये डेफिनेशन आपको लर्न कर लेना है। अनदर वन इज द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दिस इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो ऑल फंजाई एंड ऑफ कोर्स सम बैक्टीरिया कम्स अंडर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो एनिमल्स जितने हैं सभी फूड लेते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं, चाहे वो हर्बीवोर्स हो या वो कार्निवोर्स हो या ओमनिवोर्स हो। फूड का जो सोर्स है उस हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर देयर। इट कैन बी हर्बीवोर, इट कैन बी कार्निवोर, इट कैन बी ओमनिवोर। ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। नाउ लेट्स सी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डेफिनेशन तो हम लोग देख चुके। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ द न्यूट्रिशन बाय प्लांट्स, और प्लांट्स में जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो है फोटोसिंथेसिस। इन लोअर क्लासेस ऑल्सो यू हैव स्टडीड, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अगर हम रिएक्शन के तौर पर दिखाएं तो इट इज लाइक दिस। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इट प्रिपेयर्स ग्लूकोज। फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। सिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सिक्स ऑक्सीजन रिलीज्ड। ये जो सिक्स ऑक्सीजन रिलीज हुआ ये बाहर निकल जाएगा एज बाई प्रोडक्ट।
और ये जो ग्लूकोज है वो डिपॉजिट हो जाएगा स्टार्च के रूप में. तो स्टार्च इज़ कॉल्ड द स्टोरेज शुगर इन प्लांट्स एंड ग्लूकोज इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन आपको लर्न करना है. एक ग्लूकोज बनाने के लिए अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दैट इज़ कॉल्ड C6H12O6. एक सिंगल ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है. सो दिस इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन. 6 कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ 12 वाटर इट प्रोड्यूसेस 1 ग्लूकोज, 6 वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. ये है ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब क्वेश्चन आता है कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. वेल, प्लांट्स के किस हिस्से में यानी किस ऑर्गन में होता है? तो योर आंसर इज लीव्स. लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. लीव्स के किस हिस्से में होता है? लेट्स सी. आप जानते हो कि लीव्स में पैरेन्काइमा टिश्यू होता है जिसको लीव पैरेन्काइमा कहते हैं. इसको मेसोफिल सेल्स भी कहते हैं. तो ये है टिश्यू, मेसोफिल सेल्स और टिश्यू. तो लीफ के मेसोफिल टिश्यूज जो असल में पैरेन्काइमा है वहाँ होता है. अब मेसोफिल सेल के किस हिस्से में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है. आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल. किचन, जहाँ फूड बनेगा वहाँ कहते हैं किचन. तो क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल. ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. ये ग्रीन कलर का ऑर्गेनल है. यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है. आपने क्लास 9th में पढ़ा था प्लास्टिड्स. देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट्स, क्रोमोप्लास्ट्स एंड ल्यूकोप्लास्ट्स, जिसमें से जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का होता है और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है. लेट्स हैव ए लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्लास 9th वाले बुक से आप रिवाइज करोगे. इसमें आप देख सकते हो कि डबल मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. इसके अलावा यहाँ फ्लूइड है, डॉट डॉट. ये जो फ्लूइड है इसमें वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं. इसके अलावा आप देख सकते हो कि मेम्ब्रेन बाउंड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. और ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स है वो एक के ऊपर एक अरेंज्ड हैं. तो ये जो पूरा पाइल्ड अप यानी पूरा स्टैक जो है, पूरा जो ग्रुप है, उसको कहते हैं ग्रैना. उसको कहते हैं ग्रैना. और ये जो ग्रैना है वो हो गया मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग क्लोरोफिल. क्लोरोफिल पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट इसी के अंदर होता है और यही वजह है कि क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होता है. इसके अलावा आप देख रहे हो स्ट्रोमा. स्ट्रोमा यानी फ्लूइड. तो ग्रैना के बाहर जो फ्लूइड है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा. तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. यहाँ पर दो स्ट्रक्चर आपको समझना जरूरी है, दैट इज ग्रैना एंड स्ट्रोमा. ठीक है. तो प्लांट के लीफ में, लीफ के अंदर पैरेन्काइमा टिश्यू में, पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं उसके क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल में फोटोसिंथेसिस होता है. अब फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है? लेट्स हैव अ लुक. इसमें हम देखते हैं कि व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं यानी कौन कौन सा रिएक्शन होता है. फोटोसिंथेसिस के पूरे रिएक्शन को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइट फेज एंड डार्क फेज. लाइट फेज एंड डार्क फेज. तो डिफरेंस देखते हैं. लाइट फेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है. और इसलिए ये ग्रैना में होता है. तो पहला पॉइंट है कि होता कहाँ पे है. तो लाइट फेज होता है ग्रैना में और डार्क फेज होता है स्ट्रोमा में. लाइट फेज ग्रैना में और डार्क फेज स्ट्रोमा में. सेकंड डिफरेंस ये है कि लाइट फेज में लाइट तो चाहिए ही, बिना लाइट के रिएक्शन नहीं होगा.
लेकिन डार्क फेज में लाइट की ज़रूरत नहीं है, इट डज़ नॉट रिक्वायर लाइट, उसको लाइट की ज़रूरत नहीं है। यानी वो दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, लाइट रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली डार्क रिएक्शन के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत नहीं होती। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधेरे में होगा, अंधेरा हो या उजाला हो उसको लाइट इस्तेमाल नहीं करना है। सो डार्क फेज डज नॉट रिक्वायर लाइट। तीसरी बात करते हैं कि व्हाट हैपेंस एक्चुअली, लाइट फेज में क्या होता है और डार्क फेज में क्या होता है। इवेंट्स की बात करते हैं तो इवेंट्स में ये जो थर्ड इवेंट है, थर्ड पॉइंट है, लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। कौन सी घटना घटती है लाइट फेज में? क्लोरोफिल द्वारा लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब होना। एब्जॉर्ब होकर क्या होगा? वाटर इज स्प्लिटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल जो है जिसको हम H2O कहते हैं, ये स्प्लिट करता है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल, और उसके बाद ये हाइड्रोजन आयन मतलब H+ एंड OH यानी नेगेटिव आयन OH-, इसको हाइड्रोक्सिल कहते हैं, ये आपस में रिएक्ट करके अल्टीमेटली बनाता है ऑक्सीजन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि जब क्लोरोफिल पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करता है तो जो एनर्जी गेन करता है उस एनर्जी से वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। और इस दौरान ऑक्सीजन गैस बनने के अलावा एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है जिसको कहते हैं ATP। एक तरह से कहें कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ATP। ओके, तो आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। ATP इज जनरेटेड एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट। वाटर स्प्लिट करने से जो ऑक्सीजन गैस बना वो प्लांट के बाहर चला जाता है एज बाय प्रोडक्ट। तो ये तीन इवेंट हो गए लाइट फेज के कि लाइट फेज में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है क्लोरोफिल के द्वारा, उसके बाद वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और वाटर स्प्लिट होने के दौरान ATP जनरेट होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाता है। सो जब डिफरेंस आएगा लाइट फेज और डार्क फेज में, तो पहले तो ये बताना है कि लाइट फेज ग्राना में होता है, लाइट फेज में लाइट की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद आपको इवेंट्स बताना है कि लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, देन वाटर इज स्प्लिटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड देन ATP इज जनरेटेड एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट। अब आते हैं तो डार्क फेज में क्या होता है, लेट्स सी। कहाँ होता है? तो स्ट्रोमा में होता है। डज नॉट रिक्वायर लाइट, इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं क्या क्या इवेंट्स होता है। सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो स्टोमाटा के जरिए मेसोफिल सेल्स तक पहुंचता है और फिर मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में पहुंचता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं स्ट्रोमा में जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके उसको फिक्स कर देते हैं। तो ये हुआ स्टेप कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिक्स्ड। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू शुगर। लाइट रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन बना था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों बना था, तो ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। फिर से समझो, लाइट फेज में जो हाइड्रोजन बना था वो हाइड्रोजन डार्क फेज में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके बनेगा शुगर। ओके, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में है कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड में है कार्बन और ऑक्सीजन, और शुगर में होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन अगर मिला देंगे तो बन जाएगा शुगर। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है? लाइट रिएक्शन से हाइड्रोजन आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिक्स्ड,
and fixed carbon dioxide is reduced to sugar. Okay, so what is the end product? Dark phase में actually क्या हुआ? Sugar बना. और ये sugar जो है वो starch में convert हुआ, जो कि end product होता है. तो photosynthesis में जो glucose बनता है वो store होता है as starch. So starch is also known as storage sugar of plants. तो अल्टीमेटली अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस या मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स हम इकट्ठे लिख देंगे. लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, वाटर का स्प्लिट होना, एटीपी का बनना, ऑक्सीजन का रिलीज होना, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स होना और कार्बन डाइऑक्साइड का शुगर में रिड्यूस होना. तो ये जब हम सीरियली लिखते हैं तो ये हो जाता है ओवरऑल इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस में अल्टीमेटली क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कहाँ घटती हैं ये भी आप बता सकते हो और क्या घटती है ये भी आप बता सकते हो. मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एज ए होल, अगर ब्रॉड क्वेश्चन आता है व्हाट आर द व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इस पूरे को उतार देंगे. लाइट फेज लिखने के बाद हम डार्क फेज को कंटिन्यू करके लिख देंगे. और अलग अलग अगर आता है कि लाइट फेज डिस्क्राइब करो, डार्क फेज डिस्क्राइब करो, तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में करेंगे. इसको आप लोग नोट डाउन कर लोगे एज नोट. देन कम्स देन व्हाट आर द एसेंशियल फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के एसेंशियल फैक्टर्स लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, ये चारों एसेंशियल फैक्टर्स हैं. तो यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस के जो आपने रिएक्शन देखे थे, इस रिएक्शन में भी आपको वो सारा कुछ मिल जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, दीज आर द एसेंशियल फैक्टर्स. इन चारों में से कोई भी एक एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. एंड व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. रॉ मटेरियल्स की बात करें कि नेचर से प्लांट क्या क्या लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है. तो व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, योर आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन खत्म हुआ. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू प्रूव दैट लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ये दोनों हम पढ़ेंगे एज प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो अभी के लिए इतना ही, ये सब आप नोट्स उतार लेना. ठीक है, ओके, दैट्स ऑल.